अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक ज़िक्र करेंगे। आप एक जलीलुल कदर सहाबी हैं। हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ज़िंदगी ही में जन्नत की बिशारत दे दी थी और आप ही के मुतालिक सरवर कायनात ने फरमाया था, तू अहले आसमां में भी अमीन है और अहले ज़मीन में भी अमीन है। आपको तिजारत का बहुत शौक था। चुनाचे मदीना मुनवरा पहुँचते ही आपने एक मामूली सी दुकान खोली, उससे बतदरीज इतनी तरक्की की कि शायद ही दुनिया में किसी ने इतनी तरक्की की हो। इन वाकयात से आपकी दौलत और तमवल का हल्का सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सूरत तौबा के नजूल पर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को सदका व खैरात की तरगीब दिलाई, जहाँ दीगर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हिस्ब इस्तताअत कुछ न कुछ खैरात की, वहाँ हज़रत अब्दुर्रहमान ने 4000 दिरहम पेश किए। हालांकि ये वो ज़माना था जबकि आपका कारोबार इब्तदाई मनाजिल तय कर रहा था। दूसरा वाक़िया, एक बार हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को आज़ाद कर देने की तहरीक फरमाई तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ही दिन में 30 गुलाम आज़ाद करा दिए। हालांकि एक एक गुलाम कई कई हज़ार में ख़रीदा गया था। अगरचे आपके कारोबार का ज़्यादातर इन्हसार तिजारत पर था, मगर कुछ न कुछ ज़िम्मेदारी का सिलसिला भी था। खैबर के अलावा दीगर मकामात पर भी आपकी बहुत सी ज़मीनें थीं। सिर्फ एक मकाम जर्फ के खेतों में 20 ऊँट आप पाशी का काम करते थे। इसी से दूसरी ज़मीनों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक बार मुसलमानों को जिहाद के लिए कुछ घोड़ों की ज़रूरत थी। इस ज़माने में आपके पास खासी तादाद में घोड़े थे। आपसे दरख्वास्त की गई तो आपने 500 घोड़े अल्लाह की राह में दे दिए। एक दूसरे मौका पर आपने 500 ऊँट मुजाहिदीन की खिदमत में पेश किए। एक तीसरे मौका पर आपने 1500 ऊँट अल्लाह की राह में पेश किए। कौमी चंदों में हमेशा आप दूसरों से बढ़कर हिस्सा लिया करते। चुनाचे दो बार आपने 40,000 नकद पेश किए। एक बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान, मैंने देखा कि तुम जन्नत में बहुत देर से दाखिल हुए हो। मैंने पूछा तो तुमने मुझे कहा, मैं अपने माल और दौलत का हिसाब देता रहा कि कहाँ से कमाया और कहाँ कहाँ खर्च किया। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सुनकर रो पड़े और अर्ज़ की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिस्र की तिजारत से मेरा 100 ऊँट माल और दौलत से लदा हुआ आ रहा है। मैं वो सब का सब मदीना की बेवा औरतों और यतीम बच्चों के लिए सदका करता हूँ ताकि क़ियामत के दिन अल्लाह ताला मेरा हिसाब आसान कर दे। एक बार आपका तिजारती काफिला शाम से मदीने आया जिसमें 700 ऊँट थे जो गहियों और दीगर अशियाए खुर्दनी से लदे हुए थे। आपने हजरत ऐशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इशारे पर सब के सब अल्लाह की राह में लुटा दिए और लुत्फ ये है कि ऊँट माग कजावे अल्लाह की राह में दे दिए। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पुरमलाल के बाद आपने ऐलान कर दिया था कि उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना के तमाम मसारिफ का जिम्मेदार मैं हूँगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना को एक फौरी और जरूरी मसरफ के लिए अपना एक बाग दे दिया था जो 4,00,000 दिरहम में फरोख्त हुआ था। एक बार आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना की खिदमत में एक और जायदाद पेश की। एक दफ़ा आपने एक कतई अराजी के 40,000 दिनार वसूल करके सब के सब गुरबा और मसाकीन में तकसीम फरमा दिए। जब आप इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो आपने फरमाया, जंग बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबी शरीक जंग हुए थे उनमें से जो जो भी इस वक्त जिंदा हों उनको बुलाओ और हर एक को 400 दिनार मेरी तरफ से बतौर हदिया पेश करो। चुनाचे उस वक्त 100 से जायद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मौजूद थे। सब ने निहायत खुशी के साथ इस वसीयत से फ़ायदा उठाया, यहाँ तक कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपना हिस्सा ले लिया। बदरी सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से फारिग होने के बाद आपने इरशाद फरमाया, अब 50,000 दिनार और 1,000 घोड़े अल्लाह की राह में तकसीम कर दिए जाएँ। चुनाचे वो भी उस वक्त तकसीम कर दिए गए। इतनी दाद दहश और सदका और खैरात के बाद जब आपकी जायदाद वर्षा में तकसीम की गई तो गैर मनकूला जायदाद के अलावा नकद कैश में से आपकी 4 बीवियों को 8वें हिस्से में से बकौल बाज 80,000 दीनार आए। एक और रिवायत में है कि 3 बीवियाँ थीं, चौथी मुतलका थीं,
तीन बेबियों में से हर एक को एक एक लाख दिनार विरासत में मिला। इब्ने आनिया से रिवायत है, जब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जायदाद तकसीम होने लगी तो उनकी एक मुतलका बीवी को, जिसे मर्ज़ुल मौत में तलाक दी गई थी, आठवें हिस्से में से 83,000 दिनार मिले। गैर मनकूला जायदाद में से हर एक बीवी को जो हिस्सा मिला, उसका अंदाज़ा उससे लगाया जा सकता है कि आपकी एक बीवी नाज़िर बिनतुल असबग ने जायदाद का कुछ हिस्सा जो उसे तरके में मिला था जब फरोख्त किया तो वो 1,00,000 में फरोख्त हुआ। आपने तरके में सोने की इतनी बड़ी बड़ी ईंटें छोड़ी कि वो कुल्हाड़ियों से काट काट कर तकसीम की गईं और काटने वालों के हाथ पर आवले पड़ गए। आपने जायदाद गैर मनकूला और नकदी के अलावा 1,000 ऊँट, 3,000 बकरियाँ, 100 घोड़े भी वर्षा में छोड़े जो आपके वारसों में तकसीम हुए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम।